एडवांस एग्रीकल्चर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की बुआई कितनी दूरी पर करें। किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि सोयाबीन का जो एक्यूरेट डिस्टेंस है कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए, सोयाबीन की फसल पर जो बीज की लाइन की दूरी है कितना हमको रखना है और कितने मायने रखती है सोयाबीन की बुआई की उचित दूरी उचित डिस्टेंस कितना है, और यदि सोयाबीन की जो सोइंग है बुआई है यदि हम पास पास में कर देते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं, कितने इंच पर हमको बुआई करनी चाहिए, कितनी गहराई पर बुआई करनी चाहिए और प्रति एकड़ कितना बीज हमको लेना चाहिए और बुआई का सही समय क्या है और बुआई की सही मेथड एक्यूरेट मेथड क्या है, इन सभी की जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आप इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट advanceagriculture.in पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन बुआई का सही समय क्या है। तो सोयाबीन की जो बुआई का सही समय है 15 से 25 जून के मध्य आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन आज भी सोयाबीन की बुआई वर्षा पर ही निर्भर करती है। और इसके अलावा सोयाबीन की बुआई करते समय ध्यान रखें कि हल्की नमी हो तभी आप बुआई करें, जिससे जर्मिनेशन बेहतरीन होगा। इसके अलावा सोयाबीन की बुआई सीड्रिल मशीन से ही आपको करनी चाहिए। सोयाबीन बुआई की दूरी R2R यानी लाइन से लाइन की आपको जो दूरी रखनी है वो रखनी है आपको 16 इंच। यह दूरी एकदम परफेक्ट है, ना कम है ना ज़्यादा है, और बाकी कई स्थानों पर हाथ से छिड़काव के द्वारा ही बुआई की जाती है और कई स्थानों पर 12 इंची पर और 14 इंच पर भी बुआई की जाती है, लेकिन लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस है वो आपको 16 इंच रखना है। यह एकदम परफेक्ट है, एकदम क्लियर है और प्रति एकड़ लगभग 35 किलोग्राम के आसपास सीड्स पर्याप्त होते हैं प्रति एकड़ के लिए। घर का बीज हो या फिर बाजार का हाइब्रिड हो दोनों को उपचार जरूर करें, चाहे तो आप थायोफेनेट मिथाइल और पाराक्लोस्ट्रोबिन से उपचार करें, और यदि इससे आप नहीं करना चाहते हैं तो आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंगो जैव युक्त जो फंगिसाइड आती है उससे भी बीज उपचार आप कर सकते हैं, लेकिन बीज उपचार आप जरूर करें। यदि सोयाबीन को पास पास में बो दिया जाए तो पौधे में उतनी फलियां और ना ही फूल लगेंगे जितनी हम उम्मीद करके रखते हैं, तो उपज भी कम आएगी यदि आप बहुत ज़्यादा बीजों की बुआई कर देते हैं। सोयाबीन की बुआई एक निश्चित रजिस्टर दूरी में ही बुआई करें, R2R यानी लान से लान की दूरी 16 इंच, और गहराई आपको रखनी है 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर आप सोयाबीन की बुआई करें, और फिर आप खुद देखें बेहतरीन तरीके से जर्मिनेट होंगे सभी के सभी सीड्स। इसके अलावा सोयाबीन की एक अतिरिक्त जानकारी है, सोयाबीन में नाइट्रोजन प्रारंभिक अवस्था में ही केवल इस्तेमाल करना है, बाद में 40-50 दिनों के बाद आप सोयाबीन की फसल पर नाइट्रोजन यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा बुआई के समय या फिर पहली खाद में या फिर पहली खाद का जो डोज है उस समय आप सल्फर युक्त फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जरूर करें, यह उपज और उत्पादन बढ़ाने में, और यदि बरसात ठीक ठाक नहीं होती है तो अभी हमको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल सकता है यदि हम सल्फर का इस्तेमाल करते हैं उपयोग करते हैं। इसके अलावा सोयाबीन में वनस्पतिक अवस्था में वेजिटेटिव जब वृद्धि हो रही हो तब आप NP की घुलनशील खाद 19-19-19 का स्प्रे जरूर करें, इससे फसल हरी भरी होगी। और सोयाबीन में ज़रूरत से ज़्यादा अगर हाइट हो रही हो वृद्धि हो रही हो और फल फूल उतने अच्छे ना लग रहे हों तो उसके लिए आप PGR का स्प्रे जरूर करें, क्लोरमेक्ट क्लोराइड या फिर मैपीक्वाइट क्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं, लेहोसिन का या फिर चमत्कार PGR का स्प्रे आप कर सकते हैं, लेकिन कब करना है, जब सोयाबीन की फसल पर लगभग 5 से 10% फ्लावर आ चुके हों तब उस समय एक्यूरेट टाइम रहता है PGR स्प्रे करने का। तो इन बातों को आप ध्यान रखोगे और सोयाबीन की जो बुआई की मेथड बताई है और डिस्टेंस बताया है यदि आप इस डिस्टेंस पर बुआई करोगे तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि उत्पादन और उपज एकदम बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार की और भी नई वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो मैं आपका दोस्त शिव कुमार मिलते हैं कुछ और सीखने योग्य समझने योग्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।